नमस्कार, मेरा नाम है रूपा बुद्धि राजा। मैं चारुकार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी को सावन के शुभ आरंभ हो चुका है 4 जुलाई से, और ये सावन का जो पावन महीना 19 साल के बाद ऐसा संयोग पड़ रहा है जब अधिक मास यानी कि 2 महीने का सावन होने जा रहा है, तो हमारे पास भक्ति करने का पर्याप्त समय है। आपके जीवन में जो चली आ रही समस्याएं उनको आप दूर कर सकते हैं भगवान शिव के द्वारा। भक्ति कर भगवान शिव की आराधना कर अर्चना कर आप सभी वो चीज़ें पा सकते हैं जिन चीज़ों की आपको अभिलाषा है। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं सावन के महीने में सभी भक्त तरह तरह की पूजा कर तरह तरह से अभिषेक करके भगवान शिव को खुश करना चाहते हैं, परंतु कुछ ऐसी चीजें जो आपको सावन में ध्यान रखने वाली हैं जो नहीं की जाती, वो कौन सी है? तो चलिए जानते हैं सावन में आपको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सावन तो पहले त्याग का नाम है। भगवान शिव उस पर ज्यादा प्रसन्न होते हैं जो त्याग करता है जीवन में। तो सावन का महीना किसी भी एक चीज का आप त्याग कर सकते हैं, कोई भी एक ऐसी चीज जो आपको प्रिय हो। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी चीज का त्याग कर दिया जिससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई भी एक ऐसी चीज का त्याग करें आप। हो सके तो आप खाने में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल न करें, अपने घर में सात्विक ही खाना खाएं। ये आप अगर ऐसा करेंगे ना, तो जो भी आपके मन की इच्छा है वो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी सभी इच्छा पूरी होगी। तो चलिए जानते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको सावन में नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि सावन मास में बैंगन का सेवन नहीं किया जाता। एक सब्जी ऐसी है बैंगन, जिसको आपको सावन में सेवन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि सावन में जो बैंगन का सेवन करता है वो अच्छा नहीं होता। तभी कहा जाता है कि द्वादशी और चतुर्दशी पर बैंगन का इस्तेमाल नहीं करते, बैंगन की सब्जी नहीं खाई जाती। तो सावन का पूरा महीना आपको बैंगन का सेवन नहीं करना। सावन में शिवलिंग पर दूध से जल अभिषेक किया जाता है। अति प्रिय होता है शिव भगवान को दूध से अभिषेक करना, तो दूध पीना वर्जित होता है। दूध को पीना नहीं चाहिए सावन के महीने में। सावन के महीने में भगवान शिव पर, वैसे भी कहा जाता है, हल्दी वर्जित होती है। हल्दी भगवान के शिवलिंग पर नहीं अर्पित करनी चाहिए, हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। और हल्दी से कुछ भी आप कैसे ना उपाय हो, कुछ भी हो, आप सूखी हल्दी हो, किसी भी तरीके की हल्दी भगवान शिव पर वर्जित है, नहीं करनी चाहिए, और खासकर सावन के महीने में। सिंदूर भी नहीं चढ़ाया जाता, सिंदूर भी वर्जित है भगवान शिव पर सावन में। यदि कोई भी पशु आपके द्वार पर आता है, कोई भी पशु हो, चाहे वो गाय हो, बैल हो, कुत्ता हो, कोई भी किसी भी प्रकार का पशु आपके द्वार पर आता है, तो उसको कुछ खिलाए बगैर ना जाने दें। उसे धुतकारना बिल्कुल नहीं चाहिए आपको। शिव भगवान को बड़ा प्रिय होता है जो जानवरों से प्रिय, जो जानवरों के प्रति जिनकी भावना बहुत अच्छी होती है। और किसी से भी आपको वाद विवाद झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने ऊपर संयम रखना चाहिए। और सावन का महीना कहते हैं ना, आप ऊपर से तो व्रत रखें लेकिन आपकी भावना अच्छी ना हो, आपकी वाणी अच्छी ना हो, आप किसी को भी कटु वचन कह दी, इस बात का आपको खासा ख्याल रखने की जरूरत है। कहा जाता है कि सावन के महीने में तेल नहीं लगाना चाहिए अपने शरीर पर, तेल भी वर्जित माना जाता है। भगवान शिव को केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, केतकी के फूल भी भगवान शिव पर वर्जित होते हैं। भगवान शिव एक चीज से बहुत प्रसन्न होते हैं, किसी निर्धन व्यक्ति को यदि आप भोजन कराते हैं। सावन के 2 महीने हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, अपनी यथाशक्ति अनुसार आप किसी भी जरूरतमंद को भोजन कराइए, किसी की मदद कीजिए। भगवान शिव इन सब चीजों से प्रसन्न होते हैं। यदि आप शिव को मनाना चाहते हैं और शिव को पाना चाहते हैं, शिव अपने आप में ही पूर्ण है, तो आप मेरे ये दिए गए उपाय जरूर आजमाइए, तो आप देखेंगे आपको किसी के आगे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें ये चीज की इच्छा है, हमें वो चाहिए, सिर्फ मात्र सावन के महीने में ये उपाय कीजिए और चमत्कार देखिए। मैं आपसे फिर जुड़ूंगी अगले उपाय के साथ। तो सावन में दिए गए उपाय जरूर कीजिए और अपने जीवन में स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।